हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत एवं विश्व के भूगोल के बारे में, आज पढ़ेंगे जो कि भाग फोर है। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एस्चुरी का निर्माण करती है तो यह नर्मदा एवं ताप्ती नदी करती है। अगला क्वेश्चन है कि घाट शिला प्रसिद्ध है तो ताबा के लिए घाट शिला प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि किस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है तो आग्नेय व रूपांतरित चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि बेलाडीला लौह अयस्क खान है तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है तो यह चावल है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की सर्वाधिक संभावना होती है तो 30 अक्षांश के आसपास होती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं तो यह भूमध्य रेखा पर घने वन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लैक हिल्स स्थित है तो यूएसए में ब्लैक हिल्स स्थित है। अगला क्वेश्चन है केसर उत्पादित करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है तो जम्मू कश्मीर है। अगला क्वेश्चन है कि एक फैदम में कितना फुट होता है तो 6 फुट होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यू मूर द्वीप स्थित है तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस पर्वतमाला को सौहाद्री के नाम से भी जाना जाता है तो पश्चिमी घाट को। अगला क्वेश्चन है कि मेरी कल्चर संबंधित है तो समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भद्रावली लौह इस्पात कारखाना स्थित है तो कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय है तो यह केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ब्रिज टाउन राजधानी स्थित है तो बारबाडोस देश की है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है तो टिटिकाका झील है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल संलेख संबंधित है तो यह ओजोन अवक्षय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि डबलिन किस देश की राजधानी है तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। अगला क्वेश्चन है कि हैम्बर्ग शहर किस देश में स्थित है तो यह जर्मनी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हाइती द्वीप किस सागर में स्थित है तो कैरेबियन सागर में हाइती द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टी देश कौन सा है तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है कि हनोई की राजधानी है तो वियतनाम है। अगला क्वेश्चन है कि ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस क्रिया द्वारा होती है तो सूर्य के परिक्रमण के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय को 3 समांतर श्रेणियों में श्रेणियां कौन कौन सी हैं तो हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक है। अगला क्वेश्चन है कि गोखुर झील का निर्माण नदी की किस क्रिया द्वारा होता है तो अपरदन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि चूखा जल विद्युत केंद्र है तो यह भूटान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पूर्व का मोतिस कहा जाता है तो श्रीलंका को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मार की जीवनधारा किस नदी को कहा जाता है तो यह इरावती नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक है तो इटली है। अगला क्वेश्चन है यांगोन किस नदी के किनारे बसा है
इरावती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रूर घाटी किस देश में स्थित है? तो यह जर्मनी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो लंदन है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन, गर्म स्थल अजीजिया या किस देश में स्थित है? तो यह लीबिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, येलोस्टोन पार्क स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? तो यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी पठार की ढाल है तो यह पूर्व की ओर ढाल है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कांगो नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि एंजिल नामक विश्व का सबसे ऊंचा झरना किस देश में स्थित है? तो वेनेजुएला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पेंटागोनिया के पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नगर लॉस एंजिल्स किस प्रांत में स्थित है? तो यह कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला किस महादेश में स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया महादेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वार्टर जाइट का निर्माण होता है? तो यह बलुआ पत्थर से होता है। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर उदाहरण है? तो यह कायंत्रित चट्टान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, क्यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो हिमानी द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्थ ईस्टर्स उदाहरण है? तो ध्रुवीय पवन का उदाहरण है। कि नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई किस प्रदेश में होती है? तो तमिलनाडु में होती है। अगला क्वेश्चन है कि नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई किस प्रदेश में होती है? तो तमिलनाडु में होती है। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत का पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? तो यह अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि मिस्ट्रल स्थानीय पवन है? तो स्पेन एवं फ्रांस का है। अगला क्वेश्चन है कि मैस्ट्रेल स्थानीय पवन है? तो यह उत्तरी इटली का है। अगला क्वेश्चन है, मोनाको स्थित है इटली एवं फ्रांस के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि डांगर बैंक क्या है? तो यह 30 पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, खिरगिज किस प्रदेश की निवासी को कहा जाता है? तो एशिया के स्टेपी प्रदेश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आइसोनिफ से क्या दर्शाया जाता है? तो बर्फ गिरने के समान क्षेत्र को दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि चूने पत्थर से निर्मित मैदान कौन सा है? तो यह काष्ट मैदान है। अगला क्वेश्चन है कि दस्त ए लुत मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह पूर्वी ईरान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंसेलवर किस से निर्मित आकृति है? यह पवन अपर्दन से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर है। अगला क्वेश्चन है, किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? तो यह विषुवतीय रेखीय में वर्ष भर वर्षा होती है। तो ये भारत एवं विश्व का भूगोल पार्ट 4 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।